इस समाचार में आपको तीन नेपाल के समाचार सुनाई देंगे। लास्ट में हम आपको चीन और नेपाली लड़के की जो चीन में धुनाई हुई है उसके संबंध में बताएंगे। पहले शुरू करते हैं यहाँ से। अब नेपाली लोगों का दिमाग खुल गया है और वो अपने देश में हर जगह विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के अंतर्गत मध्य पहाड़ी लोक मार्ग में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करने के लिए नेपाल दूर संचार प्राधिकरण ने नेपाल टेलीकॉम के साथ में 3 अरब रुपए का एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत सुदूर पश्चिम बांके बर्दिया के लगभग 20 जिलों में नेटवर्क फाइबर का विस्तार होगा और यह विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर एरिया में होगा और इस पे जो खर्चा लगेगा वह ग्रामीण दूर संचार विकास कोष के द्वारा अदा किया जाएगा और अनुमान लगाया गया है कि यह परियोजना 2 साल में पूरी हो जाएगी। नंबर 2, दोस्तों आपको पता होगा कि नेपाल कभी भी भारत की तारीफ बिल्कुल नहीं करता है और रही भारत की बात तो भारत के जितने भी चैनल हैं वो सब हमेशा नेपाल की तारीफ करते हैं, एक मुझे छोड़ के। मैं नेपाल की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं केवल वही बात बताता हूँ जो सच होती है। उसमें अब नेपाल की बुराई हो या तारीफ हो उससे हमको जरा भी मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल और केवल सच बताने से। भारत में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जो अपने चैनलों पे व्यू पाने के लिए समाचार बनाते हैं, गोरखा ऐसे हैं गोरखा वैसे हैं, वो केवल और केवल अपने चैनल पे व्यू बढ़ाने के लिए करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे हमारी वीडियो पे डिसलाइक कितना भी आए और हमारी वीडियो कोई नहीं देखे, लेकिन हम हमेशा वही बात कहते हैं जो सही है, भले ही आपको वो गलत लग सकती है। तो नेपाल का कोई भी चैनल कभी भी भारत की तारीफ नहीं करता है। इसका मुख्य कारण है नेपाल में 2 पार्टियां, हालांकि पार्टी एक ही है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उसमें 2 विचारधारा के आदमी है, एक यूरोपियन विचारधारा के दूसरे चाइनीज विचारधारा के, और भारत के दुश्मन दोनों ही है, यूरोपियन यूरोप भी है और चाइना भी है। इसलिए नेपाल में भारत के विरोध में झूठी खबरें दिखाई जाती है जिससे नेपाल की जनता भारत विरोधी है। काला पानी और सुस्ता के अलावा नेपाल भारत में कोई विवाद नहीं है। हाँ, छुटपुट विवाद हर देश के साथ में होता है। तो नेपाल के नेपाल लाइव में एक लेख आया था डॉक्टर मुकेश कुमार का, उन्होंने कहा कि नेपाल भारत में मीडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी दुनिया में सबसे तेजी से या सबसे ज़्यादा मीडिया भारत में है, और मंदी के इस समय में भी भारत की मीडिया 11% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया का व्यापार इस समय 1 लाख करोड़ का है, जो कि 2024 तक बढ़ के 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। दोस्तों, नेपाल में जहां बहुत ही कम आदमी नेट का प्रयोग करते हैं, वहां भारत में बहुत ही ज़्यादा आदमी नेट का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य कारण है भारत में 200 रुपये में पूरे महीने भर आप अनलिमिटेड नेट देख सकते हैं। ऐसी सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, जियो आदि ने निकाली है, और भी बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं जहां आप 200 रुपये महीने का चुका के और अनलिमिटेड नेट देख सकते हैं। लेकिन नेपाल में पूरे महीने अनलिमिटेड देखने के लिए शायद आपको कम से कम, मेरा अपना अंदाज है, 5,000 या 10,000 रुपये लग जाएगा। इसलिए नेपाल के लोग नेट का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। जहां भारत में गरीब से गरीब आदमी नेट का प्रयोग करता है, वहां नेपाल में गरीब आदमी नेट का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। इस समय दुनिया में नेट का प्रयोग करने है वो चीन 1 नंबर पे, भारत 2 नंबर पे और अमेरिका 3 नंबर पे है। यानी सबसे ज्यादा नेट चलाने वाले जो देश है उनमें चीन 1 नंबर, भारत 2 नंबर और अमेरिका 3 नंबर पे आता है। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में बहुत ही कम लोग नेट का प्रयोग करते हैं, और जो करते भी हैं वो थोड़ा देर के लिए करते हैं,
एक मिनट दो मिनट वो किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनके पास एमबी पैक नहीं होता है या होता है तो बहुत ही कम होता है। हाँ मुझे पता है कि नेपाली लोग अब कहेंगे कि नहीं हम तो बहुत नेट का प्रयोग करते हैं, तो ये आप अगर ऐसा बोलते हैं तो आप पूरा गलत बोलते हैं। हमें पता है कि नेपाल में आदमी नेट का प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकता है क्योंकि हर आदमी महीने का 5,000 और 10,000 रुपए नहीं चुका सकता है, जबकि भारत में अनलिमिटेड नेट देखने के लिए केवल 200 रुपए चुकाना होता है एक महीने का। तीसरा समाचार है, चीन के नानमो फेंग इलाके में कुछ चाइनीज लोगों ने एक नेपाली की धुनाई कर दी और बाद में पुलिस भी उस नेपाली को उठा के जेल में ले गई। यहाँ नेपाली काठमांडू के भीमेश्वर नाम की जगह का रहने वाला है और इसका नाम है सूर्य बहादुर थापा। चाइनीज लोगों का आरोप है कि यह आदमी मादक पदार्थ का सेवन करते हुए और कुछ बदतमीजी करते हुए नजर आया, जिससे चाइनीज लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया। दोस्तों जानना एक चीज, अब वो आदमी को जेल की सजा हो जाएगी। चीन का सिस्टम आप समझिए, चीन में यदि कोई विदेशी आदमी झगड़ा करता है तो विदेशी आदमी की ही गलती मानी जाती है। उसका मुख्य कारण है कि चीन का कहना है कि भाई तुम हमारे देश में आए हो इसलिए गलती तुम्हारी मानी जाएगी। जैसे नेपाल का एक सिस्टम क्या है कि बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी आपस में टकरा जाएगी तो बड़ी गाड़ी की गलती मानी जाएगी और सारा जो पे है या क्षतिपूर्ति है वो बड़ी गाड़ी वाले को देना पड़ता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, छोटी गाड़ी की गलती नेपाल में नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार चाइना में क्या है कि अगर विदेशी कोई आके वहाँ झगड़ा करता है तो विदेशी की ही गलती मानी जाती है, चाहे विदेशी अपने बचाव में झगड़ा करे या कैसे भी झगड़ा करे, क्योंकि चाइना का साफ कहना है कि तुम हमारे देश में आए हो, हम तुम्हारे देश में नहीं गए हैं, तुम यदि हमारे देश में नहीं आते तो ये झगड़ा नहीं होता। इसलिए चाइना का कानून विदेशी को अपराधी मानता है। धन्यवाद।